इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2023 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी किया गया है। 797 टोटल वैकेंसी हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट 3 जून 2023 है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सैलरी 25,500 से स्टार्ट है। आइए जानते हैं आवेदन से पूरी जुड़ी जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों, IBGO रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जूनियर इंटेलिजेंस और ऑफिसर्स जियो ग्रेड सेकेंड तकनीकी यानी कि जियो सेकेंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न पदों हेतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें दो प्रकार की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB और दूसरा जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है, ग्रेड सेकेंड और थर्ड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स 2023 का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है दोस्तों, 797 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB में आप जो भी कैंडिडेट हैं, इच्छुक हैं, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन है, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप अवश्य करें, ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी अपने आप में काफ़ी बम्फर भर्ती लेकर आ चुकी है इंटेलिजेंस ब्यूरो के 797 पोस्ट के लिए। चलिए बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 3 जून 2023 से शुरू होंगे और जिसके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट होगी वो 23 जून यानी कि 2023 यहाँ पर रखी गई है। तो IBGO रिक्रूटमेंट 2023 से जो भी जुड़ी जानकारी है, आवेदन से जुड़ी जानकारी पूरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जिससे मिल सके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी एटीट्यूड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको आवेदन करना है। दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशंस को यहाँ पे देख लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि मंत्रालय या गृह मंत्रालय की अंडर ये जो वैकेंसी आती है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड सेकेंड और टेक्निकल जो ऑफिसर्स सेकेंड थर्ड जो भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, देख सकते हैं। क्वालिफिकेशंस या क्लासिफिकेशंस की बात कहेंगे तो जनरल सेंट्रल सर्विस है ये ग्रुप सी वैकेंसी के लिए, और आपको जो यहाँ पे सैलरी मिलेगा वो 25,500 से स्टार्टिंग होगा और 81,100 रुपये आपको लास्ट पेमेंट मिलने वाला, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये वैकेंसी आती है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो UR की यहाँ पे 325 पोस्टें देखने को मिलेंगे और AWS की 79 पोस्टें हैं, OBS की 215 वैकेंसी हैं, 215 SC की 119 हैं, ST की 59 हैं, टोटल मिला के यहाँ पे 797 पोस्टें हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करेंगे एज यहाँ पे कितना मांगा जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो वैकेंसी 2023 के लिए। जो भी कैंडिडेट आवेदन करने जा रहे हैं उनका यहाँ पे जो एज होना चाहिए वो कम से कम 18 एज होना चाहिए और अधिकतम आपका 27 वर्ष यहाँ पे एज रखा गया। आपका जो एज यानी कि काउंट किया जाएगा वो 23 जून 2023 को आधार मानकर आपका जो एज है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप SC ST से हैं और आप छूट लेना चाहते हैं एज में तो आप 5 साल छूट आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल यहाँ पे आपको छूट मिलेगा, ठीक है, प्लस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना कौन सी कास्ट के अंडर यहाँ पे छूट मिलेगा, उस हिसाब से भी आपका एज ओवर हो रहा है फिर भी आप छूट के अंडर आते हैं तो एज में इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अप्लीकेशन फ़ीस कितना यहाँ पे लगने वाला है। IB के अंदर कत अगर आप आवेदन करने वाले जो भी कैंडिडेट सामान्य हैं, OBC हैं और AWS के अंतर्गत आते हैं, ऐसे आवेदक के लिए यहाँ पे जो आवेदन शुल्क होगा वो 500 रुपये यहाँ पे लगने वाला, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप SC ST से हैं, PW महिला श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आपको 450 रुपये लगेगा, ठीक है, 50 रुपये आपका माइनस हो जाएगा SC ST वालों के लिए, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं जनरल OBC और AWS के 500 रुपये हैं, SC ST और अदर जो भी हैं या फीमेल है तो 450 रुपये पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वालिफिकेशंस।
जियो सेकेंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा या IEEE या ITCS या BSc या आपके पास कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इस वैकेंसी में जियो सेकेंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है, ऑफिशियल। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा और फर्स्ट स्टेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। फिर स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू, पर्सनल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। ये 4 से 5 चरण में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इंटेलिजेंस ब्यूरो का और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जियो और काठमांडू। तो इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पे आपको विजिट करना होगा। आप चाहें डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को, ठीक है, आपको विजिट करना है और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी यहाँ पे जानकारी पूछी जाती है उसको ठीक ठाक से भरना है, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर्स फोटो को अपलोड करना है, पेमेंट करना है और अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेना दोस्तों। ये प्रोसेस होगा आवेदन करने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, डाउट हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अप्लाई डेट 3 जून है और 23 जून तक ये वैकेंसी चलने वाली है IB जियो रिक्रूटमेंट। तो 23 में जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा, ये वैकेंसी अपने आप में काफ़ी अच्छी और बम्फर भरती है, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक, ये तीनों लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा चैनल पर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पे प्रेस कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।